हाय, आई एम विनायक मोरे फ्रॉम एक्सपर्ट लैब केयर। आज हमारे पास ये 27 इंच आईमैक है। इसका प्रॉब्लम है, ये बूट लूप में रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, बूट लूप में बार बार जाके रिस्टार्ट हो रहा है और ये रिपेयर को आया हुआ है। मैंने ओपन तो किया है, मैं प्रॉब्लम आपको इसको दिखाता हूँ कैसा क्या है, उसके बाद में उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊँगा। ये ओपन ऑलरेडी कर चुक दिया है मैंने, आप स्क्रीन देख सकते हो, स्क्रीन ओपन करके पीछे स्क्रीन लगा के रख दी है वहाँ पर। और मैंने क्या किया है, बार बार स्क्रीन निकालना नहीं पड़े इसीलिए एक्सटर्नल डिस्प्ले मॉनिटर लगा के हमारी इस मॉनिटर में इस पर आउटपुट देखूंगा, क्योंकि बार बार स्क्रीन का प्रॉब्लम हो सकता है। स्क्रीन बार बार लगाएंगे ये करेंगे तो स्क्रीन को डैमेज ना हो, इसीलिए मैंने एक्सटर्नल डिस्प्ले पे काम कर रहा हूँ। इसका प्रॉब्लम पहला मैं अभी इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। इसको ऑन करेंगे अभी, देखो मैक जो है ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर, तो ये बूट लूप में जाके बार बार रिस्टार्ट होता है, ये इसका कॉमन इशू है। इससे पहले भी मैं ये 2-3 बार कर चुका हूँ प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व। तो ये बूट लूप में जाता है, अब देखोगे यही चल रहा है। एक्सटर्नल डिस्प्ले सिर्फ मैंने वहाँ पे लगा हुआ हुआ है, क्योंकि बार बार उस डिस्प्ले पे काम नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए ये मैक के लोगों के यहाँ पे आता है बूट लूप में, वहाँ से रिस्टार्ट हो जाता है और बार बार रिस्टार्ट होता है, यही प्रॉब्लम है। OS कंप्लीट नहीं होता है, OS तक जाता नहीं है। देखो रिस्टार्ट हो गया, वापस चालू होगा, फिर से वैसे ही कंटिन्यू होते रहेगा, ऐसा है। तो ये इसका कॉमन प्रॉब्लम है इस मैकबुक का। 27 इंच है, इसका मॉडल है A1419 और ये मेरे पास रेगुलर आता है। इसको जो स्क्रीन कैसे निकालते हैं इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिया हुआ है, स्क्रीन निकालना कैसा है, फिटिंग कैसे करना है, उसका वीडियो भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है। ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है, यहाँ पे आएगा वापस बूट लूप में, वो रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका OS तक ये नहीं आता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको वीडियो पॉज करके बाद में दिखाऊँगा। देखो वापस रिस्टार्ट हो गया, तो ये इशू इसमें कॉमन इशू है और इसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये इसमें कॉमन प्रॉब्लम जो होते हैं वो ज़्यादातर करके SMC रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, SMC के इशू होते हैं, उसकी वजह से बूट लूप में रिस्टार्ट होता है। ये ना तो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है, ना आपका साटा का हार्ड डिस्क का, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा के देखेंगे तभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ये SMC के बोर्ड के अंदर जो है SMC होती है, वो SMC का ज़्यादा करके इशू होता है, या तो इसके अंदर BIOS रिलेटेड इशू होते हैं, BIOS को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ता है। मगर इसका BIOS जो है नॉर्मल प्रोग्रामिंग की तरह BIOS प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसके ओल्ड BIOS के अंदर का सभी सीरियल नंबर्स वगैरह जो है वो आपको न्यू BIOS डालेंगे उसमें आपको प्रॉपरली डालना पड़ता है, BIOS को प्रॉपर एडिटिंग करके BIOS डालना पड़ता है। इसका BIOS का इशू मुझे लग रहा है, मैं इसको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके आपको वापस दूसरा वीडियो कंटिन्यू बनाऊँगा, इसको बोर्ड पर भी बाहर निकालूँगा। थैंक यू। हाँ, अभी मैंने इसका प्रॉब्लम पूरा देखा, प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे समझा कि यहाँ पे देखोगे तो आप उसकी SMC है और यहाँ पे देखोगे तो BIOS है। ये प्रॉब्लम SMC रिलेटेड नहीं था, ये प्रॉब्लम BIOS जो है BIOS के करप्शन के वजह से था। मैंने उसका BIOS निकाल के, BIOS जो है यहाँ पे देख सकते हैं बैच चिप यहीं पर, BIOS निकाल के उसको रीप्रोग्राम किया हुआ है और रीप्रोग्राम करके उसका ओल्ड जो BIOS था उस ओल्ड डंप को कभी भी आपको फॉर्मेट नहीं करना है, ओल्ड डंप को रखना है। ओल्ड डंप के अंदर से बहुत सारी चीज़ें हमको न्यू डंप में डालनी पड़ती है, उसके सीरियल नंबर्स है और बहुत कुछ है। तो मैंने BIOS को अभी प्रोग्राम करके वापस इसको फिट किया है इसके अंदर और मैं अभी इसको ऑन करके दिखाऊंगा। ये जो बूट लिप का प्रॉब्लम था वो आप हम यहाँ से सॉल्व हो चुका है, अभी मैं वहाँ पर उसको ऑन करूँगा। देखो ये ऑन हो चुका है, ऑन होने के बाद देखोगे आप तो ये मैकबुक के वहाँ पे ही आपका बूट लूप में ही स्टार्टिंग में ही रिस्टार्ट होता था। ये प्रॉब्लम प्रॉपरली हैंडल करके हमने सॉल्व किया है, इससे पहले भी मुझे ये आया था प्रॉब्लम। तो कभी कभार क्या होता है, एक उससे पहले ये से प्रॉब्लम के लिए आया था, किसी ने किसी और को दिया था, वहाँ से रिपेयर नहीं हुआ था तो बूट लूप के प्रॉब्लम में उसने डेढ़ करके दे दिया था, तो वो डेढ़ को ऑन करने के बाद भी बूट लूप का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था। ये मॉडल 27 इंच है, 1419
आई मैक, देखो ये बूट लुक इसका क्लियर हो चुका है। अभी ये आप पूरे बूट में जाने वाला है। फैन भी देख सकते हैं फुल फोर्स में घूम रहा है। अभी आप, मैंने ये ओपन करके मैं जो कर रहा हूँ वो वैसे कोई करता नहीं है। यहाँ पे पावर सप्लाई है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट लग सकता है, शॉक लग सकता है, मगर स्क्रीन बार बार लगाना नहीं है, स्क्रीन को प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए हम लोग ये एक्सटर्नल डिस्प्ले में काम कराते हैं फिलहाल। यहाँ पे देखिए आप, ये बूट लूप से अभी निकल चुका है, रिस्टार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, और जो उसका ये है वो स्टेटस है, स्टेटस बार आगे जा रहा है। अभी कस्टमर का डेटा होने के, कस्टमर का नाम होने की वजह से मैं आपको उसको पूरा दिखा नहीं पाऊँगा, बूट लूप तब आएगा तब तक मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये प्रॉब्लम जो है बायोस के रीप्रोग्रामिंग से हुआ है, मगर बायोस रीप्रोग्रामिंग करना इतना ईजी नहीं है, आप ट्राई नहीं करें और इसको अभी पूरी तरह से स्टिक जो है ओल्ड स्टिक निकाल के, जो बॉर्डर के ओल्ड स्टिक्स है वो सब निकाल के, न्यू स्टिकिंग के उसके सेट आएंगे, वो सेट लगा के हम लोग उसको ये कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बूट पूरा हो चुका है, और पासवर्ड डाल के मैं एक आगे का प्रोसीजर कर सकता हूँ। तो ये जो बायोस का प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। और आईमैक्स आपके पास ऐसे ही कोई रहेंगे तो हम लोग आईमैक और एप्पल के सभी प्रोडक्ट के लिए मास्टर है, मैकबुक्स के लिए, आईमैक के लिए। और मोस्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कस्टमर यहाँ वहाँ देने के बाद ही बहुत सारे लैपटॉप मेरे पास आते हैं और मैकबुक्स आते हैं, तो फ्रेश में रहेंगे तो आपका कम खर्चे में काम हो जाएगा, मगर अगर यहाँ वहाँ से छेड़छाड़ करके दिए होगे तो उस पर थोड़ा चार्जेस ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सामने वाला जो होता है उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, कुछ और उल्टा पुल्टा किया है वो देखना पड़ता है हमको। तो ये केस स्टडी आज यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं स्क्रीन लगा के पूरा आगे का डिस्प्ले आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के अंदर। अभी ये तो मैं एक्सटर्नल स्क्रीन में चेक करा था आपको, वो इसी एक्सटर्नल स्क्रीन में चेक करा था, अभी इंटरनल स्क्रीन लगा के आपको प्रॉपर दिखाऊँगा। पूरा पैक करना पड़ेगा उसके लिए, मगर आज का एक कम्प्लीट हो चुका है केस स्टडी अपना सॉल्व, जो बायोग्रेडेड इशू था, और ये करना इतना इजी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।